शुरू शुरू में चीज़ों से बहुत घबरा जाती थी, जब छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती थी तो वो डर जाती थी। और जब से बायोनिक्स का मुझे पता चला है और मैंने आर्म लगवाया तो मैं खुद में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि जो मैं काम नहीं कर सकती थी वो अब मैं कर सकती हूँ, जिसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी अब मैं उसमें भी करती हूँ। बस काफ़ी हद तक हेल्प है, मेरा ये है कि कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ट हुआ है। अगर एक सांप काट ले आपको तो आप सांप के पीछे भागते नहीं हैं कि मुझे क्यों काटा, मैं तो नहीं काटने का काबिल था, मैं तो डिजर्व नहीं करता था, बल्कि आप पहले अपने आप को संभालते हैं, आप अपनी दवाई लगाते हैं, ना कि सांप के पीछे भागते हैं कि मुझे क्यों काटा। एक वाकया हो गया, जब तक आप इसको खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, दुनिया का कोई और बंदा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके बहन भाई हों, चाहे वो दोस्त हों या चाहे कम्युनिटी हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट अपना ब्लैक आर्म इनसे लगवाया था, उसके बाद मीडिया कवरेज आना शुरू हुई, जो चीज़ें मिलना शुरू हुई, इज्जत मिलना शुरू हुई अल्लाह ताला की तरफ से, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव चेंज करने का एक आइडिया था। तो मतलब कह लें एक तरीके से बायोनिक्स के साथ कनेक्टेड भी रहने का यही मकसद होता है कि यार चेंज करना है, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज करना। और मैंने कहता होता था मैं एक वक्त आएगा कि जिन लोगों के हाथ हैं ना वो अपने हाथ खुद काले करेंगे हमारे हाथ देख के। इफ यू रिमेंबर भाई, आई एम नॉट अ डिसेबल, ठीक है, आपके अंदर ये होनी चाहिए चीज़ कि जो आपको कहे ना कि आप डिसेबल हो, ये काम नहीं वो काम नहीं, आपको हम हर काम करेंगे, आप बताओ हमें। डिग्रेड करने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन अगर उनको सोचा जाए तो हम लाइफ गुजार ही नहीं सकते। अनस जो काम कर रहा है वो इतना नोबल काम है, मैं अनस को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, मैं बायोनिक्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और जो काम ये लोग कर रहे हैं ये दुनिया भर में बहुत ही माइनर परसेंटेज है जो लोग कर रहे हैं। असले मसाइल और बड़े परेशानियाँ होती हैं, लेकिन जब तक हम ये नहीं देखते कि आप लोगों को हमसे काम करने से वाकई कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तब तक हमें भी जो है ना वो एक समझ लें कि एक एक एक्स्ट्रा मेहनत करने का जो है ना वो जज्बा वापस नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई आप लोग सबको देख के और सब लोगों से मिलके, इंशाल्लाह हम इस तरह के इवेंट्स मजीद करवाते रहेंगे।